क्या आपके शॉर्ट्स भी जीरो व्यूज पे फ्रीज हो जाते हैं या 8-10 व्यूज पे ही रुक जाते हैं या कुछ के शॉर्ट्स पर्टिकुलर व्यूज पे आके ही फ्रीज हो जाते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। बस ये ट्रिक अप्लाई करो और चैनल अनफ्रीज कर लो। और इतना ही नहीं, शॉर्ट्स वायरल करने के लिए व्यूज स्वाइप अप रेशो एंड ऑडियंस रिटेंशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छा करने का भी ट्रिक ये वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। ट्रिक जानने से पहले हमेशा की तरह बेसिक से डिकोड करते हैं, आपके व्यूज फ्रीज हुए क्यों? क्या आप इनकंसिस्टेंट थे या रॉन्ग वायरल वीडियो की वजह से आपका चैनल लीड हो गया है? अगर ये दोनों भी रीजन नहीं है तो भी आपके वीडियो जीरो व्यूज पे ही फ्रीज हो जाते हैं, मतलब कि आप रॉन्ग वैसे ही इनिशियल बूस्ट देते हो। शॉर्ट्स को शॉर्ट्स फीड में भेजने के लिए इनिशियल बूस्ट देना पड़ता है और वो इनिशियल बूस्ट देने के लिए आप सिंपली शॉर्ट्स अपलोड करने के बाद 2-4 दोस्तों के साथ सेंड करते होंगे, बाद में वही लिंक पे खुद ही क्लिक करके पूरी शॉर्ट्स 2-4 बार लूप में देखते हो और 2-3 आईडी से ऐसे ही करते हो, और यही इनिशियल बूस्ट देने का सही तरीका बिल्कुल नहीं है। आप भी ऐसे ही गलत तरीके से इनिशियल बूस्ट देते हो, इसलिए आपके व्यूज भी 0 या 2-4 व्यूज पे ही फ्रीज हो जाते हैं। तो सही तरीका क्या है इनिशियल बूस्ट देने का, जिससे आपकी शॉर्ट्स वीडियो भी शॉर्ट्स फीड में जाएगी और वायरल भी जा सकते हैं अगर आपके कंटेंट में दम भी होगा तो। ऑलराइट, इनिशियल बूस्ट देने के लिए शॉर्ट्स अपलोड हो जाएगी, उसके बाद दूसरे अकाउंट से आपको आपका ही शॉर्ट्स चैनल सर्च करना है जैसे मैंने किया है। उसके बाद शॉर्ट के सेक्शन पे जाके शॉर्ट्स को पूरा एक बार वॉच करके जैसे शॉर्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगी तुरंत स्वाइप अप करके और कोई और शॉर्ट्स पे आना है, उसके बाद फिर से स्वाइप अप करके आपकी शॉर्ट्स देखनी है। और ये सेम तरीका एक ही आईडी से मैक्स टू मैक्स 2 बार करना है और 2-3 आईडी से यही ट्रिक फॉलो करना है। लेकिन याद रखना है, एक आईडी से 2 बार से ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपके व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन मेरा सर्च में आता ही नहीं चैनल, तो कहां से सर्च करूं? तो जिनका चैनल सर्च करने पे आता ही नहीं, वो सिंपली अपने चैनल की यूआरएल से आपका चैनल सर्च कर सकते हो। और बाकी अपने 2-3 ट्रस्टेड फ्रेंड को अपनी शॉर्ट शेयर करके उनसे भी पूरा वॉच करा लो, या मेरे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे आके थोड़ा इनिशियल बूस्ट ले सकते हो। वह आपके जैसे बाकी क्रिएटर भी है जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन इनिशियल बूस्ट तो ले लिया पर व्यूज स्वाइप पर प्रेशर ही सही नहीं किया, तो आपके भी शॉर्ट्स एक पर्टिकुलर व्यूज पे आके फ्रीज हो जाएंगे। जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझे इंस्टा पे मुझे यही प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमेशा सॉल्यूशन मांगते हैं, तो इसको ठीक कैसे करें इसका सॉल्यूशन बताने से पहले एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो ऑडियंस के पास आपकी शॉर्ट्स तो जाती है लेकिन वो स्वाइप अप कर देते हैं। लेकिन आपका कंटेंट तो अच्छा है ना, तो स्वाइप अप क्यों करती है? क्योंकि आपका कंटेंट तो अच्छा है, पर वो देखने के लिए रुकेंगे तभी तो वो समझ पाएंगे कि आपका कंटेंट अच्छा है। और वो इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वो अनकॉन्शियसली स्वाइप अप करते रहते हैं। उनका यही पैटर्न ब्रेक करने के लिए आपको शॉर्ट्स के 1-2 सेकंड में कोई भी साउंड इफेक्ट लगाना है, जिससे आपकी शॉर्ट्स उनके सामने आएगी और वो साउंड इफेक्ट की वजह से उनका अनकॉन्शियस स्वाइप अप पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। और यही स्ट्रेटेजी मिस्टर मीकू से लेकर बड़े बड़े क्रिएटर करते है, जो मैं आपको ये वाले वीडियो पे भी बता चुका था। पर आपको तो मुझे बस व्यूज देना होता है, टिप्स तो अप्लाई करना नहीं होता ना। गाइस क्यों ऐसा करते हो? मुझे बहुत बुरा लगा जब आप मेरे वीडियो देख के मुझे व्यूज तो दे रहे हो, उससे मेरा फायदा करा रहे हो, लेकिन आप ट्रिक्स अप्लाई नहीं करते तो आपका चैनल ग्रो कैसे होगा? जब आप ट्रिक्स अप्लाई करोगे तभी तो आप ग्रो कर पाओगे ना। और गाइस, मैं बाकी क्रिएटर से सेल्फिश नहीं हूँ कि मुझे व्यूज मिल रहा है मैं खुश हूँ। मुझे अंदर से एकदम खुशी तभी मिलती है जब आप मेरे ट्रिक्स अप्लाई करके आपकी भी जबरदस्त ग्रोथ होती है और आप इंस्टा या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके बताते हो। उससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती और वो शब्द में बयान भी नहीं कर सकता मैं। बाकी स्वाइप अप रेशो बढ़ाने के लिए इंट्रो हुक आपके शॉर्ट्स में होना ही चाहिए, वो कैसे दे सकते हैं वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। ऑलराइट, अब मैं जो बताने वाला उससे हर एक बंदा अपनी शॉर्ट्स वायरल कर सकता है, उसके पहले 400 लाइक एम का टारगेट रख रहे वो जरूर कंप्लीट कर देना। शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब के लेफ्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद ट्रेंडिंग पे आके म्यूजिक के सेक्शन पे आना है और ये आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग शो हो जाएंगे। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब के टाइम ये वाला सॉन्ग ट्रेंडिंग में। अब इस पे सिंपली आपको क्लिक करके इनके डिस्क्रिप्शन में जाना है ये वाले वीडियो के, उसके बाद स्क्रोल डाउन करोगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज अ शॉर्ट रिमिक्स, और यहाँ आपको मिलेंगे काफी ज्यादा शॉर्ट जो वायरल हुए हैं पहले से, और आपको भी यही सॉन्ग का रिमिक्स बनाना है जिससे आप भी वायरल जा सकते हो। और वो कैसे करना है उसका प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सो स्किप करोगे तो वायरल जाना तो भूल ही जाओ। तो यहाँ आप देख रहे हो जिन्होंने भी ये सॉन्ग पे रिमिक्स बनाया है वो सब लाखों मिलियन पे व्यूज ले रहे हैं, तो आपको भी अपने वीडियो में यही सॉन्ग का यूज करना है। लेकिन इसका भी एक प्रॉपर स्टेप है, तो स्टेप 1,
तो इसमें से एक शॉर्ट पे क्लिक करके ये रिमिक्स सॉन्ग सेव कर लेना है। उसके बाद आपको आपकी शॉर्ट्स अपलोड करनी है और यहाँ आपको ऐड सॉन्ग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सिंपली जो भी आपने सेव किया हुआ सॉन्ग है उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपर राइट साइड में आपको एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आके आपको यहाँ अच्छे से गाइज देखना है, नहीं तो आप गलती करोगे तो आपकी शॉर्ट्स वायरल नहीं जाएगी। सबसे पहले आपकी वीडियो में आपका खुद का वॉइस ओवर होगा तो जो ओरिजिनल सॉन्ग का वॉल्यूम है ना वो फुल रख देना है, जिससे आपकी वॉल्यूम अच्छे से आएगी। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक के आपको वॉल्यूम कम कर देने क्योंकि आपके शॉर्ट्स में आपकी वॉइस ओवर है, तो जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे आप आपकी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे वाले ये शॉर्ट्स में वॉइस ओवर मेरा है ही नहीं, तो इसलिए मैं जो सॉन्ग का जो वॉल्यूम है वो पूरा फुल कर रहा हूँ और ओरिजिनल साउंड का वॉल्यूम जीरो कर रहा हूँ। और हाँ गाइज, अगर आपकी शॉर्ट्स पे इसमें से एक भी सॉन्ग बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है तो यार सजेशन में कुछ ऑप्शन दिखेंगे म्यूजिक के, उनमें से एक म्यूजिक आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नॉर्मल अपलोडिंग प्रोसीजर टाइटल टैग्स वगैरह ऐड करना है। और गाइज देख सकते हो यहाँ मैं ओनली 2 ही टैग यूज कर रहा हूँ, आपको भी बस 2 ही टैग यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। या काफी लोगों के मैंने वीडियो देखे दुनिया भर के शॉर्ट्स ऐड करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स आपको डालना तो डाल सकते हो, शॉर्ट्स में ज्यादा टैग्स की कीवर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो गाइज ये सेम प्रोसीजर आपको नेक्स्ट 10-15 दिनों तक यूज करना ही है, वायरल सॉन्ग जो है वो आपके वीडियो में जरूर यूज करना है। और अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके व्यूज आएंगे ही। ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम, सो पेशेंस रखना ही पड़ेगा गाइज। और बाकी आप अभी तक वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपके लिए एक बोनस टिप, सिंपली आपको YouTube स्टूडियो ओपन करना है। एनालिटिक्स पे आने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ मिलेगा आपको ऑप्शन सर्च टर्म्स का। उसके बाद यहाँ आपको जो भी कीवर्ड्स दिख रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा कौन से कीवर्ड पे आपको व्यूज मिले, वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे अगर आपकी वीडियो बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी वीडियोस काफी बूस्ट होने ही वाले। बाकी शॉर्ट्स के रिगार्डिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स जानने हैं तो क्लिक करो लेफ्ट वाली वीडियो पे।